पर्सनल ट्रेनिंग में रिजल्ट की गारंटी के साथ सागर शहर में पहली बार अत्याधुनिक मशीनों के साथ एयर कंडीशनर सनशाइन जिम, राजघाट रोड, टिली वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। सोलह साल की लड़की आजादी की तलाश में पश्चिम बंगाल से इंदौर आ गई। नाबालिग अपने माता पिता से अलग मुर्शिदाबाद में बुआ के साथ रहती है। उसके माता पिता अलग हो चुके हैं, उन्हें एक दूसरे का साथ पसंद नहीं है। पिता दुबई में रहते हैं और माँ मुंबई में। ऐसे में बेटी भी सबसे अलग आजाद रहने निकली थी। नाबालिग को पिता ने अपना डेबिट कार्ड दे रखा है, इसी डेबिट कार्ड से उसने फ्लाइट का टिकट बुक कराया था। इंदौर में रुकने के लिए नाबालिग होटलों में गई। एक दो होटलों में उसकी उम्र देखकर कमरा देने से मना कर दिया गया। फिर एक होटल ने उसे संदिग्ध मानकर कमरा दे दिया। कमरा देने की फॉर्मेलिटी पूरी होने पर होटल मैनेजर ने MG रोड पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस होटल पहुंची, नाबालिग को बुलाकर यहां रुकने का कारण पूछा। नाबालिग ने पुलिस को बताया कि वह आज़ादी चाहती है, अपनी फ्रेंड के कहने पर इंदौर रहने आई है। उसकी फ्रेंड भी इंदौर ही आने वाली है। TIDVS नागर के मुताबिक नाबालिग पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की रहने वाली है। वह 7 फरवरी को फ्लाइट से इंदौर पहुंची। पुलिस को MG रोड स्थित कोटारी मार्केट के सामने होटल राजबाड़ा के मैनेजर अमोल काले ने सूचना दी थी। नाबालिग ने पुलिस को बताया कि उसके माता पिता के बीच विवाद चल रहा है, इसी कारण दोनों 8 साल से अलग रह रहे हैं। नाबालिग मुर्शिदाबाद में अपनी बुआ के घर रह रही थी। वह भी अपने माता पिता की तरह सबसे अलग रहना चाहती थी। नाबालिग से बातचीत करने के बाद पुलिस ने मुर्शिदाबाद से उसकी बुआ को बुलाया, जो बुधवार को इंदौर पहुंची। पुलिस ने पूरा घटनाक्रम बताकर उसे बुआ के सुपुर्द कर दिया। जी, 7 तारीख को हमारे पास एक स्थानीय होटल के मालिक का फोन आया कि एक नाबालिग सी दिखने वाली बच्ची है जो होटल का रूम मांग रही है और वो अकेली भी है। तो इस सूचना पर हमने तत्काल हमारे थाने से स्टाफ, सब इंस्पेक्टर टीना शुक्ला, प्रधान आरक्षक महिला अनिता शर्मा, हेड कॉन्स्टेबल मुकेश लोभाना को इनको भेजा और वहाँ से बच्ची को सुरक्षित थाने लेके आए। और जब उससे महिला अधिकारियों ने पूछताछ करी तो उसने बताया कि वो पश्चिम बंगाल में रहती है और उसके पिताजी सऊदी अरब में जॉब करते हैं और माताजी मुंबई में रहती हैं। दोनों किसी पारिवारिक झगड़ों के कारण अलग अलग रहते हैं और ये पश्चिम बंगाल में अपनी बुआओं के साथ रहती है। आने का सर कुछ कारण पता चला, किसी से मिलने आई हो या कोई और कारण हो, कोई बहला फुसला के लाए? पूछताछ पर इसने ये बताया कि इसकी कोई वहाँ पे स्थानीय सहेली है जिसने इसे ये बोला था कि तुम पहले इंदौर पहुँच जाओ और उसके बाद 2 दिन बाद मैं आती हूँ, तो फिर वहाँ हम मिलकर कोई ना कोई काम करेंगे और कोई बिजनेस करेंगे या कहीं नौकरी करेंगे। बच्ची 10वीं तक पढ़ी है और वो बहकावे में आके पहले आ गई और इसने 2 फ्लाइट बदल कर इंदौर आई है पश्चिम बंगाल से। और इसके बाद जब हम लोगों ने उनके परिजनों को भी सूचना दी तो उन लोगों ने उस बच्ची को वहाँ पे काउंसलिंग करी है और उसका टिकट भी कैंसिल कराया। उस बच्ची का भी दूसरी बच्ची जो वहाँ पे पश्चिम बंगाल में जो इसके बाद आने वाली थी, तो उसके परिजनों को सूचना दी हमारी महिला अधिकारियों के द्वारा, तो फिर वो उनको समझा बुझा के उसको वहीं रोक लिया गया है। और ये 7 तारीख को हमारे थाने में आई थी, उसके बाद हम लोगों ने उसको जीवन ज्योति मुरायजा वगैरह करवाकर और सब जो प्रक्रियाएं होती हैं जीवन ज्योति राव में उसको कराया और इनके परिजनों को सूचना दी, जो आज पश्चिम बंगाल से आए हैं और अपनी बच्ची को सुरक्षित पाकर बहुत प्रसन्न है। क्योंकि ये फादर से बात हुई थी दुबई में। हाँ, ये एक बात और आपको बताना भूल गया कि इनके पिताजी से हम लोगों ने यहाँ से वीडियो कॉल से बात भी करी, हमारी महिला अधिकारियों ने भी करी और बच्ची से भी कराई, और वो बात करते करते रो भी पड़े थे, बच्ची भी रोई और हमारी महिला अधिकारियों ने और हमने सबने मिलकर उस बच्ची की काउंसलिंग भी करी है। अपनी गलती का एहसास है उसे और भविष्य में अब दोबारा इस प्रकार का कृत्य न करने के बारे में भी उसने बोला है। आपका नाम? धर्मवीर सिंह नागर। बच्ची सेफ है आपकी? क्यों इंदौर क्यों आ गई थी? मेरे को अच्छा लग रही। नहीं, इंदौर क्यों आई? वो यहाँ क्यों आ गई थी? वो एक किला चला आया घूमने को लिए। आप कौन है उनकी? मेरा भाई का लड़की है। आपके पास ही रहती है? हाँ। कहाँ रहते हैं आप लोग? मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल में। पर्सनल ट्रेनिंग में रिजल्ट की गारंटी के साथ सागर शहर में पहली बार अत्याधुनिक मशीनों के साथ एयर कंडीशनर सनशाइन जिम। लड़के एवं लड़कियों के लिए पूरी सुरक्षा के साथ 6000 स्क्वायर फीट एरिया में सर्विस सुविधा युक्त सनशाइन जिम, लग्जरी व्यवस्थाएं, स्टीम बाथ, CCTV कैमरा के साथ सर्टिफाइड लेडीज एंड जेंट्स ट्रेनर,
डाइट कैंटीन के साथ सनशाइन जिम, राजघाट रोड, तिली वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 6265745495, 7000483881, 8817368143।